दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जो जगह आई है, जो ऑलरेडी कई काम कर रहे हैं उनकी डिवीजन में या कई दूसरे डिवीजन में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जगह आई है महाराष्ट्र में, मैक्सिमम जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टाटा मेटालिक्स में इंजीनियर लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए जगह आई है टाटा ग्रुप में। एल एंड टी का जो ग्रुप है चियोदा में, वहां पे जगह एल एंड टी ग्रुप में। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में भी कुछ जगह आई है जो गवर्नमेंट के अधीन है। ये सब बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो हर चीज आपके समझ में आ जाएगी, और कुछ अगर रहा तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक सब्सक्रिप्शन करना ना भूले, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारी हमेशा लाते रहेंगे। और बहुत सारे ऐड आए हैं बुधवार और गुरुवार की इसमें, लेकिन वो मैं कल आपको और बहुत सारे ऐड की वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज ये मेन जो फोकस वाले ऐड है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला जो जॉब है वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये है लुबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और लुबी इंडस्ट्रीज ये अहमदाबाद में है। यहाँ पे सर्विस इंजीनियर की जगह आई है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एरिया मैनेजर की जगह आई है, जिसके लिए डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर वाले जो कैंडिडेट है जिनको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है पंप्स पाइप्स और केबल्स का, वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कोड 2 के लिए डिप्लोमा और डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर। इसमें मात्र 1 साल जिन्होंने कहीं काम किया या किया 2 या 3 साल का पंप विलिंगनेस टू ट्रा और इसमें पंप्स में और विलिंगनेस टू ट्रैवल अगर किया आ जा सकते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई करे। दोनों जॉब कोड के लिए आपको hrd@lubipumps.com में आपको अप्लाई करना है। लूबी पंप्स ये इसका वेबसाइट है, वहां जाके आप चेक करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों L&T चियोदा में। L&T चियोदा में इंजीनियर्स के लिए जगह है, डिजाइनर्स के लिए और डिजाइनर लीड्स के लिए जगह है। और ये है वडोदरा में, जिनको 3 से 4 5 साल का अनुभव है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, सिविल स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में, प्लान डिजाइन पाइपिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल्स, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में, स्टैटिक्स इक्विपमेंट, मैकेनिकल पैकेजेस, रोटरी इक्विपमेंट, टेक्निकल सेफ्टी में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। लेटेस्ट बाय अक्टूबर 5, 2021 के पहले अप्लाई आपको इस तरह से करना है कि आपको उनके वेबसाइट में जाना है। ये जो लिंक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ hstlengthdecorbon.com करंट ओपनिंग्स में जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे L&T चाहिए आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो सिलेक्ट हो जाएगा उन्हीं को हम लोग कॉल करेंगे। मतलब इंजीनियरिंग जिन्होंने किया डिप्लोमा डिग्री तीनों फील्ड में वो अप्लाई कर सकते हैं, डिजाइनर और लीड्स के लिए। ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स में जो जगह निकली है वो है ऑफिसर्स के लिए पोजीशन, और इसमें बीई बीटेक और डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग में। मात्र 2 साल का, मिनिमम 2 इयर्स अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीई अगर बीटेक में 2 साल का, अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्ट्रीम्ड है क्वालिफिकेशन आपका मैकेनिकल मेट्रोलॉजी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एज एन ऑफिसर पोजिशन। टाटा स्टील का जो डिवीजन है टाटा मेटालिक्स, इसमें जगह निकले खड़गपुर डिवीजन के लिए। उसके बाद सुपरवाइजर चाहिए, यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए मैकेनिकल मेटलर्जी और इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए मात्र आपको 2 साल का अनुभव चाहिए। फिर वर्कर चाहिए, वहाँ पे वर्कर में ITI फ्रॉम ITI जिन्होंने किया गवर्नमेंट से, रेपुटेड कोर्स किया है एनसीटीवीटी का, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिटर फाउंड्रीमैन मोल्डर मशीनिस्ट वेल्डर टर्नर इलेक्ट्रिशियन और मिल रहे मैकेनिकल के लिए। आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, फ्रेशर्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट वर्किंग इन डक्टाइल और आयरन पाइप प्लांट विल बी प्रेफर्ड, अगर कहीं काम करते हैं उनके लिए मिल जाएगा प्रेफर्ड। सैलरी रहेगी अच्छी खासी, और आपको अप्लीकेशन स्कैन करके अपना भेजना है या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते। टाटा मेटालिक्स डॉट कॉम में कैरियर सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। जिन्होंने इसके पहले यहाँ पे अप्लाई किया होगा 6 महीने पहले, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन होगा यहाँ पे आपका ऑनलाइन रिटर्न असेसमेंट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी अगर आप सिलेक्टेड होते। दोस्तों जॉब अच्छे लग रहे तो जरूर लाइक और सब्सक्रिप्शन कीजिए। मैं इस बार अच्छे ग्रुप की ही जॉब आपके सामने लेके आया हूँ इस वीडियो में खास करके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन, गवर्नमेंट के अधीन है। और यहाँ पे जो जगह निकले असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट के हिंदी ऑफिसर्स भी चाहिए यहाँ पे। IT इंजीनियर चाहिए डाटा सेंटर के लिए, फिर उसके बाद IT बेस एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ की उनकी जो वेबसाइट है IBPS.in पे जाके विजिट करना है।
और विजिट करने के बाद वहां पे जो प्रोसेस दिया वो प्रोसेस के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, हाउएवर अ वेटलिस्ट वुड बी मेंटेन रिक्रूटमेंट विच विल बी वैलिड टिल 31 जून 2022 तक रिक्रूटमेंट वैलिड रहेगा। इसके लिए आपको पूरी डिटेल उनकी वेबसाइट में दी हुई है। सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो रिक्रूटमेंट निकली है कैडर ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे, इसके लिए आपको रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 314 वैकेंसीज आई हुई है। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड के लिए 20 वैकेंसीज है। कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव के लिए 217, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 12 वैकेंसीज, सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए 2, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए 2 वैकेंसीज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट, उसके लिए 1 वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से मैनेजर मार्केटिंग के लिए 12 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग के लिए 26 वैकेंसी। सभी का पूरा डिटेल, एजुकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल, फीस वगैरह, ये चाहे इनके बैंक SBI वेब कैरियर्स, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनकी लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। डिटेल चाहिए तो डिटेल के लिए आपको मैं यहाँ पे लिंक सेट कर सकता हूँ। और यहाँ के जो फिलिंग अप की लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ पिप के साथ में 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के इसमें जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बाकी सब चीज़ों के लिए आप जरूर इनकी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, कुछ रहा तो आप हमको कॉमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जो रिक्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी काम करते हैं मेट्रो रेलवे क्योंकि प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट PSU मेट्रो रिलेटेड, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है मेट्रो प्रोजेक्ट में। एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, डिप्टी मैनेजर के लिए फायर सेफ्टी जिन्होंने किया काम किया, असिस्टेंट मैनेजर सीनियर स्टेशन कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोलर डिपो मैनेजर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के साथ में MEP इंजीनियर ट्रैकिंग के लिए IT वाले भी चाहिए, जूनियर इंजीनियर सिग्नल टेलीकॉम ट्रांजेक्शन, फिर प्लम्बिंग सिविल वर्क के लिए ट्रांजेक्शन और ट्रैक्शन MEP मैसन सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए सीनियर टेक्नीशियन, फिटर भी चाहिए सीनियर टेक्नीशियन और अकाउंट असिस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट है 4, फिटर के लिए 12 है। सो इस तरह से मैक्सिमम यहाँ पे पुणे मेट्रो में जगह निकली है। तो पुणे मेट्रो रेल .org की कैरियर सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन एज लिमिट और हाउ टू अप्लाई की पूरी इंफॉर्मेशन दी। आप कमेंट करोगे तो मैं हो सकता है कि आपको एक लिंक भी इसके साथ शेयर करूँ। दोस्तों आपको हमारे जॉब अच्छे लगते तो जरूर लाइक सब्सक्रिप्शन करते रहिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।